दोस्तों T20 फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज के लिए शतक बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये क्रिकेट में सबसे छोटा फॉर्मेट होता है और इसमें हर एक बल्लेबाज को काफी कम गेंदें खेलने को मिलते हैं। लेकिन T20 मैच में जब भी किसी बल्लेबाज द्वारा शतक बनता है तब वो बड़ी तेजी से बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 10 एरोन फिंच। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरोन फिंच T20 मैच में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में 10वें नंबर पे आता है। इन्होंने ये शतक इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में लगाया है। एरोन फिंच ने यह शतक 47 गेंदों में बनाया है जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनकी इसी पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड के सामने 248 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना पाए और टीम ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 39 रनों से जीत लिया। नंबर 9 डेविड मिलर। दोस्तों साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज डेविड मिलर T20 मैच में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में 9वें नंबर पे आते हैं। इन्होंने ये शतक 2 अक्टूबर 2022 को इंडिया के खिलाफ बनाया है, जिसमें इन्होंने 47 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों के मदद से 106 रन बनाए हैं। दोस्तों इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 237 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीकन टीम इस मैच में डेविड मिलर की इस पारी की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन ही बना पाए, जिसके चलते टीम इंडिया ने इस मैच को 16 रनों से जीत लिया था। नंबर 8 ग्लेन फिलिप्स। न्यूजीलैंड के ताबड़तोड़ युवा बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स सबसे तेज शतक लगाने के मामले में नंबर 8 पे आते हैं। इन्होंने ये शतक 29 नवंबर 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया था, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। दोस्तों ग्लेन फिलिप्स ने यह शतक मात्र 46 गेंदों में बनाए थे। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने ग्लेन फिलिप्स की इस पारी के बदौलत वेस्टइंडीज के सामने 238 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करने उतरे वेस्टइंडीज की टीम को न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने 166 रनों में रोक दिया और इस मैच को टीम न्यूजीलैंड ने 72 रनों से अपने नाम कर दिया। नंबर 7 KL राहुल। दोस्तों इंडिया के ताबड़तोड़ युवा बल्लेबाज KL राहुल सबसे फास्ट शतक लगाने के मामले में 7वें नंबर पे आते हैं। वैसे तो KL राहुल के नाम अनेकों शतक शामिल है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाई गई उनकी यह शतक सबसे तेज में से एक है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने 245 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 244 रन बनाए, जिसके कारण वेस्टइंडीज को मात्र 1 रन से विजय प्राप्त हुआ। ये मैच 27 अगस्त 2016 में वेस्टइंडीज के सर्जरी में खेली गई थी। इस मैच में KL राहुल ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 46 गेंदों पर अपने शतक पूरे किए। इस मैच में KL राहुल ने 51 गेंदें खेलकर 217 के स्ट्राइक रेट से 110 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे। लेकिन प्रेशर वाले मैच में KL राहुल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखा, जिसके कारण T20 मैच में KL राहुल का स्थान भी बनना मुश्किल है। नंबर 6 फैफ डुप्लेसिस। साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज फैफ डुप्लेसिस जब अपने करियर के ग्राफ के पीक पे थे तब उन्होंने फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने यह शतक 11 जनवरी 2015 में जोहान्सबर्ग के मैदान में मात्र 46 गेंदों में बनाई है। उनकी इस बेहतरीन पारी के बदौलत साउथ अफ्रीकन टीम वेस्टइंडीज के सामने 231 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई, जिसका पीछा करने उतरे वेस्टइंडीज टीम ने भी इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को 4 गेंद शेष बचाकर तक चेस कर लिए, जिसके चलते फैफ डुप्लेसिस के शानदार शतक के बावजूद भी साउथ अफ्रीकन टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मैच में फैफ डुप्लेसिस 56 गेंदों में 212 के स्ट्राइक रेट से 119 रन बनाए थे, जिनमें 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और अब फैफ डुप्लेसिस ने अपने बढ़ती उम्र के कारण अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। नंबर 5 रिचर्ड लीवी। दोस्तों साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज रिचर्ड लीवी को आज के T20 के दौर में सब भूल चुके होंगे, लेकिन उनका ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पारी आज के जनरेशन के बल्लेबाजों को प्रेरणा देने जैसी है। 19 फरवरी 2012 में हैमिल्टन के मैदान में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 171 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीकन टीम ने रिचर्ड लीवी की इस पारी के बदौलत न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 171 रनों के लक्ष्य को मात्र 16 ओवर में चेस कर दिए। रिचर्ड लीवी ने इस मैच में मात्र 51 गेंदों का सामना किया और 229 की स्ट्राइक रेट 117 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 13 छक्के शामिल थे। नंबर 4 लियम लिविंगस्टोन। दोस्तों टीम इंग्लैंड आधुनिक T20 के इस दौर में आधुनिक तरीके से खेलते हैं और इस टीम के सभी बल्लेबाज आधुनिक T20 के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और उनमें से एक लियम लिविंगस्टोन भी है, जिनका नाम सबसे तेज शतक लगाने के मामले में नंबर 4 पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन सबसे तेज शतक लगाने के मामले में नंबर 4 पे आते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड 16 जुलाई 2021 में नॉटिंगहम के मैदान में अपने नाम किए। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरे इंग्लैंड की टीम ने लिविंगस्टोन की इस पारी की बदौलत भी 201 रनों पर ऑल आउट हो गए। लिविंगस्टोन ने इस मैच में मात्र 43 गेंदों का सामना किया और 239 के स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाए। लेकिन लिविंगस्टोन की इस ताबड़तोड़ और शानदार पारी के बावजूद भी टीम इंग्लैंड को निराशा का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मैच में टीम इंग्लैंड को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। नंबर 3 हजरतुल्ला जजई। दोस्तों अफगानिस्तान के ताबड़तोड़ युवा बल्लेबाज हजरतुल्ला जजई सबसे तेज शतक लगाने के मामले में नंबर 3 के पायदान
मैदान पे आते हैं। उनकी इस पारी की बदौलत अफगानिस्तान की टीम टीम आयरलैंड के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर पाई। दोस्तों आपको बता दूं, अफगानिस्तान द्वारा बनाए 278 रनों का स्कोर T20I हिस्ट्री में सर्वाधिक है, जो कि गिनीज रिकॉर्ड बुक में शामिल है। 23 फरवरी 2019 में डेहराडून के मैदान में खेले गए इस मैच में हजरतुल्ला जजई ने मात्र 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हजरतुल्ला जजई ने इस मैच में मात्र 62 गेंदों का सामना किया और 259 की स्ट्राइक रेट से 162 रन बनाए। उनकी इस पारी में 11 चौके और 16 छक्के शामिल थे। अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए 278 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम आयरलैंड इस मैच में मात्र 194 रनों का लक्ष्य को ही छू पाया और इस मैच को टीम अफगानिस्तान 84 रनों के बड़े अंतर से जीत गई। नंबर 2, किलर मिलर। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका का ताबड़तोड़ बल्लेबाज डेविड मिलर जब भी बाउंड्रीज में डील करना शुरू कर देती है तब स्टेडियम में किलर मिलर की शोर गूंज उठ जाती है और डेविड मिलर का नाम सबसे तेज शतक लगाने के मामले में नंबर 2 पे आते हैं। 29 अक्टूबर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई एक मैच में डेविड मिलर ने मात्र 35 गेंदों में अपना शतक कम्प्लीट किया। इस मैच में डेविड मिलर ने 280 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 35 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए डेविड मिलर की इस पारी की बदौलत बांग्लादेश के सामने 224 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा करने में समर्थ हो पाया, जिसका पीछा करने उतरे बांग्लादेशी टीम 141 रनों में ही ऑल आउट हो गई, जिसके चलते साउथ अफ्रीकन टीम को इस मैच में 83 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली। नंबर 1, रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे T20 और टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में से एक है, जिनके पास 4 T20I सेंचुरी है और मौजूदा T20I के दौर में किसी भी बल्लेबाज के पास 4 T20I सेंचुरी नहीं है, जिसके चलते रोहित शर्मा का नाम सबसे तेज शतक लगाने के मामले में T20I में नंबर 1 पे आते हैं। इन्होंने ये शतक 22 दिसंबर 2017 होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में लगाया है। इस मैच में रोहित शर्मा ने कुल 43 गेंदों का सामना किया और 274 के स्ट्राइक रेट से 118 रन बना दिए, जिसमें 12 चौके और 10 छक्के शामिल थे। रोहित शर्मा की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया 260 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच पाई। 260 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकन टीम 172 रनों में ऑल आउट हो गई, जिसके चलते टीम इंडिया को 88 रनों से विजय प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।